नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सेशन में जिसका नाम है चाणक्य की नीति। तो हमने 3 सेशन में बात कर ली है चाणक्य की नीति के बारे में और उनके सूत्रों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं 4th सेशन में एक ऐसे इमोशंस के बारे में जो अक्सर हम लोग डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं और फील भी करते हैं। हम चाहें या ना चाहें वो इमोशन हमारे भीतर आ ही जाता है। तो आप ज़रा सोचिए कि वो इमोशन कौन सा है जिसे हम चाहें या ना चाहें मगर वो आ ही जाता है। तो वो इमोशन है दोस्तों क्रोध, गुस्सा, एंगर। हम चाहें या ना चाहें, हमारे सामने परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें गुस्सा आ ही जाता है और हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, गुस्सा यानी क्रोध जो होता है वो बहुत ही निगेटिव चीज़ होती है। वो हमेशा हमें अंधकार की तरफ खींच के ले जाती है, हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अगर किसी को नरक में जाना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक ऐसे भाव की ज़रूरत है जिसे आप अपने जीवन में ले आए तो आप नरक की ओर जा सकते हैं। जैसे वो भाव है क्रोध। तो पहले यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है कि नरक और स्वर्ग जैसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती है, ना ही कोई ऐसी दुनिया है जहाँ पे कोई चीज़ नरक है या कोई चीज़ स्वर्ग है। जो है हमारे इसी जीवन में है, यानी कि जिस समय हमें गुस्सा पकड़ता, हमें क्रोध पकड़ता, हमें दुख पकड़ता, चिंता पकड़ती, फ्रस्ट्रेशन पकड़ता, तो उस समय जो हमारी मना स्थिति होती है, जो हमारे मन की परिस्थिति होती है वो नरक होती है। लेकिन जिस समय हमें खुशी पकड़ती, आनंद पकड़ता, उत्साह पकड़ता, जोश पकड़ता, कुछ नया करने के लिए, किसी के लिए कुछ करने के लिए जो जुनून पकड़ता, वो स्वर्ग है। उस समय जो हम फील करते हैं वो स्वर्ग की तरह होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रोध के बारे में कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। लेकिन एक बात ये भी ज़रूरी है कि हम किसी भी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेचर ने हमें बनाया है, हमारे मानव शरीर को बनाया है, तो जाहिर सी बात है हमारे मन को भी प्रकृति ने ही बनाया है और हमारा मन सीधे जुड़ा हुआ है प्रकृति से। तो हम प्रकृति की दी हुई चीज़ों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। अभी हम इसे एक कहानी के द्वारा स्पष्ट रूप से समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं कहानियाँ आपको इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि कहानियों में बहुत बड़े बड़े और महान रहस्य छुपे हुए होते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है चाणक्य की नीति की, तो हम कहानी भी आचार्य चाणक्य का ही लेंगे। तो चाणक्य के पिता को जब धनानंद ने मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी, तो चाणक्य भागकर तक्षशिला पहुँच गए थे, जहाँ पर पहुँचकर उन्होंने अपनी शिक्षा कंप्लीट करी। उन्होंने अर्थशास्त्र में अपनी ग्रेजुएशन कह लें कंप्लीट करी और जब वो गोल्ड मेडलिस्ट हो गए उस टाइम पे, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में बाहर आए, तो उनके गुरु ने, यानी कि उस समय जो उनके कुल गुरु थे, हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा सदियों पुरानी है और वो सदियों से चली आ रही है और आज भी चल रही है। तो उस समय चाणक्य के जो कुल गुरु थे, यानी जिसे हम आज की डेट में वाइस चांसलर कहते हैं, उन्होंने आचार्य चाणक्य से कहा कि तुम यहीं पर रुक जाओ और तुम यहाँ पर लोगों को शिक्षा दो। तो आचार्य चाणक्य ने बोला, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं कुछ भी और करना चाहता हूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ। लेकिन उनके कुलगुरु ने कहा कि तुम एक अच्छे शिक्षक बन सकते हो क्योंकि तुम एक अच्छे लर्नर हो, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। तो हमेशा याद रखना, अगर आप कुछ अच्छा सीखते हो या कुछ अच्छा पढ़ते हो तो उसे दूसरों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, क्योंकि उससे आपका तो भला होगा ही होगा, साथ में दूसरे का भी भला होगा। इसे स्पष्ट रूप से भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने और अच्छे से समझाया है कि जब आप सर्व के बारे में सोचते हो तो स्व यानी कि आपका उद्धार अपने आप हो जाता है। तो आचार्य चाणक्य ने अपने आप को तक्षशिला में रोका और उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया एक ऐसे गुरु के रूप में, एक ऐसे आचार्य के रूप में जो लोगों को पढ़ाता नहीं था, अपने आचरण से सिखाता था। एक ऐसा आचार्य जो लोगों को अपने आचरण से सिखाता था, वो एक ऐसे आचार्य बने। तो एक समय की बात है, आचार्य चाणक्य को पाटलिपुत्र, जिसे आज का पटना कहते हैं, उन्हें किसी काम के कारण आना पड़ा वापस। तो जब वो पाटलिपुत्र वापस आए तो उन्हें अपने वो बचपन की बात याद आ गई कि जब धनानंद ने उनके पिता की हत्या कर दी थी, तो उस समय चाणक्य गुस्से से भर गए। उन्होंने कहा, मैं धनानंद को नहीं छोड़ूंगा। तो उसी समय उनके कुलगुरु उनके पास आए और उन्होंने चाणक्य से बोला कि बेटा, क्रोध करना अच्छी बात है, लेकिन वो क्रोध ही क्या जो सर्व के काम ना आए, जो दूसरों के काम ही ना आए। तुम अपने क्रोध को एक नई दिशा दो,
अपने क्रोध को एक नया पहचान दो। तुम ये सोचो कि तुम्हें इस क्रोध को पाल कर एक ऐसे राजा को बिठाना है जो भारत को विश्व गुरु बना दे और धनानंद को मिटा के रख दे। तो चाणक्य को एक दिशा उनके गुरु ने दी, यानी उन्होंने अपने क्रोध को कन्वर्ट कर दिया एक ऐसे लक्ष्य की ओर जिसे उनके गुरु ने उन्हें दिखाया था, उनको सपना दिखाया था कि भारत एक अखंड भारत के रूप में सामने आए। तो उन्होंने अपने एंगर को यानी अपने गुस्से को उन्होंने एक नई दिशा दे दी। तो दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में या हमें जिस परिस्थिति में जब भी क्रोध आए तो उस समय एक पल जरा रुकना और सोचना और विचार करना कि मैं अपने इस क्रोध को क्या कोई नई दिशा दे सकता हूँ जो कि लोगों के काम आए, जिससे सर्व का हित हो और सर्व का हित होने से अपना भी हित हो। तो एक और कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक बच्चा था, उसे हर बात में गुस्सा आती थी, वो हर बात में गुस्सा हो जाता था और वो उस गुस्से में किसी न किसी को मार पीट देता था। तो एक बार उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान हुए, तो उन्होंने एक गुरु की शरण ली। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को बहुत क्रोध आता है, वो बहुत गुस्सैल है, वो गुस्से में कुछ भी सोचता नहीं। तो उन गुरु ने कहा कि आप अपने बच्चे को मेरे पास एक हफ्ते बाद भेजना। तो उन माता पिता ने अपने बच्चे को गुरु के पास भेजा। तो गुरु ने कहा कि बेटा, क्या तुम्हें गुस्सा आता है? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ गुरु जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं समझ नहीं पाता मैं क्या करूँ। तो गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम जोर से चिल्लाना और बोलना भारत माता की जय। तो उस बच्चे ने उनकी बात को गांठ बांध ली और उसे जब भी गुस्सा आता वो जोर से चिल्लाता भारत माता की जय। एक बार वो बच्चा क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था और उसे अपने साथी प्लेयर पे गुस्सा आ गया, तो उसने जोर से चिल्ला के बोला कि भारत माता की जय, और उसकी आंखें एकदम गुस्से में लाल हुई पड़ी थी, चेहरा पूरा लाल था। तो उधर ही से एक आदमी गुजर रहा था, उसने सोचा ऐसा कौन है जो भारत माता की जय कहकर इतनी ज़ोरों से चिल्ला रहा है। तो उन्होंने देखा उस लड़के को, और वो आदमी कोई और नहीं, आर्मी का एक ऑफिसर था। उसने उस बच्चे को बुलाया, उसने कहा कि तुम्हारा जो गुस्सा है वो हमारे काम का है। तो उस बच्चे ने कहा कि सर, मेरे माता पिता कहते हैं कि मैं किसी लायक नहीं। तो उस ऑफिसर ने कहा कि जो किसी के लायक नहीं वो हमारे लायक होता है, तुम हमारे यहाँ पे आ जाओ। तो उस बच्चे को उन्होंने आर्मी की ट्रेनिंग दिलाई और उसे आर्मी में भर्ती किया। और जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस बच्चे ने कई सारे अपोजिट सैनिकों को मारा और उसने कई सारे अवार्ड भी जीते। तो दोस्तों, ये होता है हमारे किसी भी इमोशन को दिशा देने का परिणाम, कि जब भी हम अपने किसी भाव को एक नई दिशा देते हैं, एक नया लक्ष्य देते हैं, तो हम क्या से क्या बन जाते हैं। तो आचार्य चाणक्य भी हमें अपनी नीतियों से और अपने आचरण से यही सिखाते हैं कि जब भी हमें क्रोध है तो उस पल हमें ठहरना चाहिए और उस पल सोच कर कि हम इसे किस रूप में एक नई दिशा दे करके कैसे दूसरों का भला कर सकते हैं और कैसे अपने को इस देश के काम में लगा सकते हैं और अपने माता पिता के साथ साथ अपने शहर का और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आचार्य चाणक्य अपने आचरण से हमें यह सिखाते हैं। और आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है कि अगर अपने अनुभवों से सीखने जाओगे तो ये उम्र भी छोटी पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप दूसरों के जो शास्त्र लिखे गए हैं, जो इतिहास मौजूद है हमारे पास, आप उसको पढ़ें और उससे अनुभव लें और अपने आप को चेंज करें और अपने आप को एक ऐसे काम में लगाएं जिससे लोगों का तो भला हो ही हो और आपका भी कल्याण हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।